ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, दो भाई, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, जो सफर पर तो निकले जरूर पर मंजिल तक ना पहुंच सके। जी हां, रास्ते में ही एक हादसे का शिकार हो गए, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता उनके परिवार वालों को हुई। क्यों है परेशान परिवार वाले, क्या हुआ इन दो भाइयों के साथ, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, ये घटना आपके अंतर्मन को मर्माहत कर देगी। दो ड्राइवर भाइयों के साथ बीती ये घटना आपको जरूर झकझोरेगी। ये घटना है 30 अप्रैल की तकरीबन रात 9:30 से 10 बजे के बीच की। गाड़ी संख्या PB46M8854 में अमृतसर सब्जी मंडी से सब्जियां यानी कच्चा माल लोड करके चले 30 वर्षीय सिकंदर सिंह जो ड्राइवर थे, उनके साथ थे उनके 22 वर्षीय भाई सुखराज सिंह जो कंडक्टर थे। ये अपनी मंजिल के लिए जब चले थे तो इन्हें ये मालूम न था कि रास्ते में एक अनहोनी मुबाए इनका इंतजार कर रही है। 30 अप्रैल की रात जम्मू कश्मीर के नाचलाना गांव के पास एक हादसा इनके साथ दरपेश हुआ। स्क्रीन पर चलती वीडियो में आप ये जो बहती नदी देख रहे हैं, यहां से तकरीबन 70 से 80 फीट ऊंचाई से इनकी सब्जी लोडेड गाड़ी पलट जाती है और जा गिरती है सीधी इस नदी में। एक तो गाड़ी में कच्चा माल ऊपर से समय पर पहुंचाने का दबाव, ऐसे में हमने कई बार ऐसे हादसे होते हुए देखे हैं जो जल्दबाजी में हो जाते हैं। वैसे तो इस घटना के वजह की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, पर एक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गाड़ी अचानक अपनी सतह छोड़कर इस खाई में जा गिरी। आप गाड़ी का हाल देख सकते हैं। गाड़ी की ये दशा देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों भाइयों के साथ जो गाड़ी में मौजूद थे क्या हुआ होगा। शायद मन में ख्याल आए कि यहाँ से गिरकर कौन बच पाएगा या ये गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। जी, कोई भी यही सोचेगा, लेकिन ये बात तो तब ही सही साबित होगी जब ये दोनों मिल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दोनों भाइयों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है और इस बात से परिवार जनों पर जैसे विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। हो भी क्यों ना, घटना ही ऐसी है जिस घर के दो जवान बेटे एक साथ ऐसे भयानक हादसे का शिकार हो जाएं और ऊपर से उनका कुछ अता पता ना हो, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गया, जिनकी सहायता एनजीओ बनहाल के स्वयंसेवकों ने की। आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि बचाव दल बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ जो दुखद बात सामने आई है वो ये कि दोनों भाई शायद पानी के बहाव में कहीं बह गए और अभी तक दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों को खबर मिलते ही वो भी मौके पर पहुंचे और दोनों भाइयों को काफी ढूंढा गया, पर निराशा ही हाथ लगी। आप इस स्थिति के बारे में सोचिए, परिवारजन पर वाकई पहाड़ ही टूट गया है। लापता ड्राइवर और कंडक्टर के परिवार वालों ने हमसे संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई है, तो हम भी आप सभी से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो पूरे देश के कोने कोने तक जाते हैं, आप इस विपदा की घड़ी में इन परिवार वालों की मदद करें। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है, मैं बिहार के पूर्णिया जिला चंपा नगर तिनटकिया का रहने वाला हूँ। मेरा गाड़ी नंबर UP16FT7921 है। मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस करवा रखा हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी, ट्रांसपोर्ट मॉल का काम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा काम हमें कहीं भी और से नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।